2005 का जो ये मॉडल है, 2008 की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, 2013 का जो है मॉडल, 091 का जो है ये मॉडल है, 2000 का मॉडल है, और पास जो है वो होंडा की रिवर्ट अभी मौजूद है, 2013 का जो है मॉडल हम लोग को ये मिल गई है, 2D 2009 का जो है ये मॉडल है, 2007 का मॉडल है, 2010 की जो है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है हसन शाह और आज हम फिर से मौजूद हैं संडे कार मार्केट में। तो हर दफ़ा आप लोग ये सुन सुन कर भी पक गए होंगे, करेंगे कुछ चेंज, करेंगे कुछ नया लाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम बाकी है। तो पिछली दफ़ा भाई मैंने तकरीबन जो मेरे पास लेटेस्ट जो कमेंट्स आई हुई थी उन सबकी रिक्वेस्ट पे जो है वो काम करा था, और तकरीबन सबकी रिक्वेस्ट पूरी हुई थी, कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरी रिक्वेस्ट रह गई थी। हाँ, एक भाई हैं हमारी जिनकी रिक्वेस्ट जो है वो रहती है, उन्होंने बोला था कि भाई उनको XLi या GLi चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कि इस दफ़ा वो भी जो है वो ऐड कर लूँ। बाकी काफ़ी सारे हमारे नए सब्सक्राइबर आए और बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग की जो मुझे बोला था पहले शुरू में कि भाई ब्लॉग्स का भी क्या हुआ थी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं ब्लॉग्स वगैरह भी ब्लॉगिंग भी जो है वो करूँगा। तो कुछ ब्लॉग मैंने बनाए, तकरीबन कोई 2-3 ब्लॉग बनाए, तो आप लोग जाके एक दफ़ा जो है वो देखें, चेकआउट करें आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, और उसमें मुझे बताएं कि भाई ये ब्लॉग मुझे कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अच्छा, ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना लाइफ स्टाइल दिखा रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मैं गाड़ियों के ऊपर ही टॉपिक होता है। जैसे पिछली दफ़ा हम लोग गए थे बुलान की जो है वो वीडियो बनाने गए थे, तो हमारे जितने भी हज़रात थे जिन्होंने बुलान की मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई उनको बुलान चाहिए, तो वो मैंने एक अलग से जाके जो है वो 6-7 जो है वो गाड़ियाँ कवर करी थी एक भाई के पास अपने, तो वो व्लॉग भी आप लोग देखिएगा, उसके बारे में मुझे बताइएगा। बाकी अभी जो है वो कंटिन्यू करते हैं, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे आए हुए, और बस मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट अब शुरू करूँ, क्योंकि कमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई हैं। बाकी मैंने नंबर शेयर कर दिया था, तो बहुत सारे जो हमारे लोग थे जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कुछ लोगों को मैं रिप्लाई दे पा रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, तो भाई इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि भाई सबको जो है वो रिप्लाई मिल जाए। बाकी थोड़ा सा भाई तहमुल रखें जिनको रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि देखें वो एकदम से पूरा व्हाट्सअप जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा पिक्चर्स आ रही हैं उस पर, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं, लोग बोल रहे हैं हमारी गाड़ी कर दो भाई रिव्यू, हमारी गाड़ी कर दो आगे। तो बस इंशाल्लाह ताला उस पर भी जो है वो थोड़ा काम करेंगे। अगर आप लोगों को भी अपनी गाड़ी रिव्यू वगैरह करवानी है तो नीचे कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप अपना जो है वो लोकेशन मुझे बता सकते हैं और गाड़ी कौन सी है वो भी बता सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम आज कितनी गाड़ी। सो फाइनली आज सबसे पहले जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं वो है FX। तो हमारे काफ़ी सारे जो लोग थे जो मुझे FX की बोल रहे थे, क्योंकि देखें पिछले 2 हफ्ते से मैंने कोई FX जो है वो ऐड नहीं करी थी। मैंने आप लोग को बताया था रेट वगैरह का मसला चल रहा था, रेट काफ़ी बढ़े हुए थे, लेकिन आज मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने बोला चलो यार एक दो ऐड करूँगा, आप लोगों को खुद भी अंदाजा हो कि भाई क्या रेट वगैरह जो है वो मार्केट के चल रहे हैं। सो फिलहाल 86 का मॉडल हम लोगों के पास मौजूद है, गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, ऊपर से गाड़ी इन्होंने मेंटेन करी हुई है, बाकी अंदर से बता रहे हैं जेन्युइन है, कंडीशन बॉडी वाइज जो भी होती है ऐसी बातें मैं आप लोगों को वीडियो में इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से नज़र आ जाए गाड़ी। सो साइड है वाइड है जो है वो गाड़ी की आप लोग देखें, इसी तरीके से गाड़ी की बैक साइड भी एक नज़र जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ से अगर आप देखें तो पूरी बैक साइड भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, जो कलर हटा हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी ये कि काफ़ी यानी कि सही है, क्योंकि देखें 86 का मॉडल है और मेंटेन करना गाड़ी को उसी हिसाब से जो है वो मुश्किल होता जाता है। अंदर से देखते हैं गाड़ी अंदर से किस तरीके से आप लोगों को जो है वो मिलती है। सो यहाँ से दरवाजे वगैरह आप लोग जो है वो एक नज़र देख लें, यहाँ साइडें वगैरह धूप काफ़ी तेज़ होती है इस टाइम पर, बाकी ये वाली साइडें जो है वो देख लें, नीचे की साइडें वगैरह जो है ये कब्जे वगैरह जो है वो आप लोग एक नज़र देखें यहाँ से। बाकी अंदर से हम लोग डैशबोर्ड वगैरह की बात करें तो डैशबोर्ड वगैरह की कंडीशन भी मैं आप लोगों को जो है वो सामने से दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से सीट्स वगैरह भी जो है वो गाड़ी की आप लोग देख लें, सीट्स वगैरह नीचे की साइडें वगैरह देख लें इसके अंदर, बाकी बैक साइड से मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ गाड़ी के बैक साइड से किस तरीके से है। सो यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, ये वाली साइडें भी दिखा रहे हैं। सो ये बेसिकली मैं आप लोगों को इस वजह से ज़्यादा दिखा रहा हूँ कि भाई रेट का आप लोगों को अंदाजा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप FX नहीं दिखा रहे हो, तो भाई इस वजह से मैंने प्रेफर करा कि मैंने बोला चलो यार एक आप लोगों को दिखाई देता हूँ कि किस तरीके से जो है मार्केट रेट चल रहे हैं। तो यहाँ से गाड़ी का इंजन रूम भी देख लेते हैं हम लोग कि इंजन रूम जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिलता है इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट की पट्टी वगैरह जो है वो आप लोग एक नज़र देख लें, यहाँ से फ्रंट की पूरी पट्टी है, बाकी ये वाली साइड है वगैरह देखना है, और ये बोनट जेन्युइन है इसका भी बता रहे हैं ना, तो ये देख लें ऊपर से कंडीशन वगैरह मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो दिखा देता हूँ, यहाँ से भी देखें, बाकी बैक साइड की पट्टी वगैरह भी एक नज़र जो है वो देखना पूरी, इसी तरीके से ये वाली साइड भी जो है वो देखें। सो ओवरऑल तकरीबन गाड़ी मैंने आप लोगों को जो है वो दिखा दी है, इंटीरियर से भी दिखाई गाड़ी, फ्रंट साइड से दिखा दिए, एक राउंड पूरा दिखा दिया, बस अब ये के चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे चल के बातचीत कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं भाई वो गाड़ी की
क्या जो है वो डिमांड कर रहे हैं और गाड़ी कितने तक में जो है वो फाइनल देंगे। सो अभी मेरे साथ मौजूद है तनवीर भाई। तनवीर भाई की जो है ये गाड़ी है, तनवीर भाई 86 का जो है ये मॉडल है। गाड़ी तो ओवरऑल मैंने दिखा दी है, बाकी गाड़ी के बारे में बताएं सर, ये चलने वगैरह में सस्पेंशन में कैसी है? सस्पेंशन अच्छा है, इंजन अच्छा है, गाड़ी के टायर अच्छे हैं। बाड़ी भाई थोड़ा बहुत आप देखें टच अप, थोड़ी बहुत काम है भाई, गाड़ी ओके, घर के लिहाज से अच्छी गाड़ी। वो जाहिर सी बात है जो काम वगैरह होता है, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो बॉडी में काम हो तो वो मैं वीडियो में जो है दिखा दूं। बाकी इंजन और सस्पेंशन, इंजन ओके है, बता रहे हैं सस्पेंशन भी ओके है गाड़ी, ठीक है। बाकी अगर हम डॉक्यूमेंट भी क्लियर है एकदम, ठीक है। आपके नाम पे गाड़ी या ओपन लेटर पे? ओपन लेटर पे गाड़ी। ओनर कितने? ओनर तीन ओनर है इसके, तीन ओनर है गाड़ी के। क्या आपने डिमांड रखी है सर गाड़ी की? मैंने 170 रखी है डिमांड। 1,70,000 सो 1,70,000 रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। बाकी ये जाहिर सी बात है इसके अंदर निगोशिएट कमी पेशी वगैरह जो भी होगी जब आप भाई को कॉल करेंगे वो आपको अच्छे से जो है वो डील कर लेंगे। अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा सर। 03171183197, ठीक है। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मरगला की बोला था, तो अभी ये गाड़ी जो है वो देख रहे हैं। 95 का ये मॉडल है, 96 की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। बाकी इसकी जो डिटेल्स वगैरह होंगी जो गाड़ी के ऑनर हैं, जब उनसे बात करेंगे तो और अच्छे से जो है वो सारी चीज़ें मालूम कर लेंगे। फिलहाल फ्रंट साइड से आप गाड़ी देख रहे हैं, फ्रंट साइड से आप लोगों को जो है वो किस तरीके से मिल रही है। इसी तरीके से गाड़ी को मैं आप लोगों को दोनों साइड से दिखा देता हूँ। सो यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें किस तरीके से आप लोगों को मिल जाती है। सो सर थोड़ी सी जगह देंगे, सो यहाँ से भी देख लें गाड़ी की साइडें वगैरह जो है वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। एक नज़र पूरी बॉडी आप यहाँ से जो है वो देखें। अच्छा, अलार्म्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो इन्होंने डाले हुए हैं। बाकी ये कि इसके अंदर ज़्यादा पॉलीगेट है या नहीं है, जब जाहिर सी बात है हम जो ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे। वैसे खुद भी आप लोग बॉडी में जो है वो देखा करें, जो काम हुआ करें वो जाहिर सी बात है आप लोगों को खुद भी जो है वो नज़र आ रहा होता है। बाकी बम्पर्स वगैरह गाड़ी के जो है वो देख लें। इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी जो है वो गाड़ी के आप लोग देखें। टायर की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ गाड़ी की तो सही है, बस नॉर्मल है, यानी कि करीब से मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ। ग्रिप्स वगैरह जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। और इसी तरीके से जो है वो गाड़ी को अंदर से हम लोग देख लेते हैं, इसका इंटीरियर जो है इन्होंने किस तरीके से रखा हुआ है। सो यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देखें, साइड के दरवाजे वगैरह जो है वो गाड़ी के देख लें। बाकी इसी तरीके से डोर पैनल यानी कि गत्ते वगैरह इसके देख लें, डोर्स के ये वाली साइडें देख लें, कब्जों वगैरह की यहाँ पर की साइडें देखें, पूरी लॉक पट्टी वगैरह जो होती है। बाकी सीट्स की अगर बात की जाए तो आफ्टर मार्केट जो है सीट कवर्स वगैरह नॉर्मली जाहिर सी बात है चढ़वा देते हैं लोग। बाकी डैशबोर्ड भी मैं आप लोग को जो है वो नज़दीक से इस तरीके से एक नज़र जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप डैशबोर्ड भी देख लें गाड़ी का। सो ओवरऑल मैंने अंदर से भी गाड़ी आप लोगों को दिखा दी है, बैक साइड से एक नज़र और दिखा देता हूँ। सो ये वाली साइड है और देखना है आप लोग, दरवाजे के नीचे की साइडें देखना है। इसी तरीके से यहाँ से देख लें गाड़ी को। बाकी अंदर की सीट वगैरह की बात करूँ तो सीट्स वगैरह जो है वो देख लें। चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम देख लेते हैं, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है। सो इंजन रूम के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ से सबसे पहले तो आप लोग फ्रंट की पट्टी जो है वो एक नज़र देख लें, यानी कि फ्रंट वाली जो पट्टी होती है गाड़ी की। बाकी फिर कुप्पे वगैरह की अगर बात करूँ तो कुप्पे वगैरह भी मैं आप लोगों को नज़दीक से जो है वो एक नज़र दिखा देता हूँ। यहाँ से कुप्पे भी देख लें आप लोग। इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी जो है वो आप लोग एक नज़र देख लें। सो ओवरऑल गाड़ी जो हम लोगों ने देख ली है, बस चलते हैं अभी जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे हल्के मालूम करते हैं भाई गाड़ी का क्या हिसाब किताब है और गाड़ी कितने की जो है वो देंगे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं शुएब भाई। शुएब भाई की जो है ये गाड़ी है। शुएब भाई गाड़ी तो मैंने ओवरऑल जो है वो दिखा दी है, बॉडी वाइज इंटीरियर वाइज दिखा दी है, इंजन रूम से भी दिखा दी है गाड़ी। बाकी सर आप मुझे बताएं ये गाड़ी चलने में कैसी है? चलने में बहुत अच्छी है गाड़ी, और ड्राइव बहुत स्मूथ है, इसकी इंजन बहुत अच्छा है और टायर अच्छे हैं, यानी कि इंजन वगैरह में कोई काम नहीं है, सस्पेंशन में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, इंजन वाइज बहुत अच्छी है, ड्राइव बहुत अच्छी है। अच्छा, बॉडी की अगर हम बात करें गाड़ी की तो बॉडी कैसी है? बॉडी अच्छी है, बाहर से शावर है, बाकी इंजन रूम हो गया और इंटीरियर हो गया, ये अपना ओरिजिनल हालत में। ठीक है, कोई खुदा ना खाता मैंने एक्सीडेंट वगैरह नहीं, कुछ नहीं, कोई मैंने एक्सीडेंट नहीं हुई और ना ही मतलब जो है ना कहीं लगी है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं गाड़ी के ऑनर कितने हैं अभी? ये थर्ड ओनर हूँ मैं। थर्ड ओनर गाड़ी, क्या डिमांड रखी है सर आपने गाड़ी? 3,70,000 रुपये। एसी वगैरह इसका चलता है? जी, एसी इसका ऑन नहीं है, सामान लगा हुआ है लेकिन एसी वर्किंग में नहीं है। सीएनजी पेट्रोल दोनों है ये गाड़ी? जी, सीएनजी पेट्रोल दोनों पे वर्किंग? जी जी, दोनों वर्किंग कर रहा है। ठीक है, एसी का सामान लगा है लेकिन वर्किंग में नहीं है? हाँ, उसकी वो गैस नीड है मतलब जो है ना। बाकी 2,70,000 रुपये जो है वो गाड़ी? 3,70,000। जी जी, 3,70,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। 95 का मॉडल है, 96 की गाड़ी की जो है वो रजिस्ट्रेशन है। बाकी ये इसके अलावा कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भाई को जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे जो है और मालूम दे सकते हैं।
नंबर शेयर कर दीजिएगा सर। जी नंबर 0321-9893-066। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सके वही सिविक। तो कोशिश करेंगे भाई ये गाड़ी आप लोग को जो है वो अच्छे से दिखा दें। बाकी ये जो इसकी डिटेल्स होंगी ना गाड़ी की, जो गाड़ी के ऑनर हैं जब हम उनसे बात करेंगे तो और अच्छे से जो है वो सारी चीज़ें मालूम कर लेंगे। तो अलार्म्स वगैरह गाड़ी पर लगे हुए हैं, साइडों से क्लियर है, बैक साइड से क्लियर है गाड़ी आप लोग को जो है वो बिल्कुल क्लियर ही नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं गाड़ी की बात करूँ फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड से भी एक नज़र जो है मैं गाड़ी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फ्रंट से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। सो यहाँ से भी देख लें गाड़ी जो है वो पूरी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी, कोई यानी कि स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, डेंट्स वगैरह नहीं है। बाकी अगर कोई हल्का फुल्का होता है वो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाई इस वैसे रहा होता हूँ कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से नज़र आ जाए। बस एक यहाँ पर हल्का सा आपको दिखेगा, बाकी जो है वो गाड़ी क्लियर है। बाकी कितने पीस टचअप हैं, क्या हिसाब किताब है, शावर डे जो भी होगी इन्फॉर्मेशन जो गाड़ी के ऑनर हैं हम उन्हीं से जो है वो बात करेंगे। चलते चल के गाड़ी का जो है वो इंटीरियर देख लेते हैं, इंटीरियर से गाड़ी जो है वो हम लोगों को किस तरीके से मिलती है। सो इंटीरियर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके दरवाजे वगैरह जो है वो देख लेते हैं, दरवाजे वगैरह जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिलते हैं। सो यहाँ से आप लोग पहले देख लें साइडें वगैरह क्लियर है इसकी, यानी कि जो डोरियाँ वगैरह होती हैं ना, मेन कोशिश ये होती है कि डोरियाँ वगैरह जो है वो आप लोग देख लिया करें। सो ये वाली साइड भी देखें, नीचे की साइड भी देखें, बाकी ये जो साइड हो गई ये वाली साइड है देख लें, कब्जों वगैरह की जो लॉक पट्टियाँ वगैरह होती हैं। बाकी इंटीरियर वगैरह की बात करूँ तो इंटीरियर में आप लोगों को साफ़ सुथरी मिल जाती है, नीचे मैटिंग वगैरह हुई भी है। और सीट्स वगैरह की बात की जाए तो सीट्स वगैरह भी आप लोग एक नज़र जो है वो देखें। ऑटो ट्रांसमिशन होता है नॉर्मली सी बात, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं भी पता तो चले हम लोग जो है वो आप लोगों को बता रहे हैं। सो देख लें अंदर से भी गाड़ी जो है वो ओवरऑल क्लियर है। एक नज़र मैं आप लोगों को गाड़ी को बैक साइड से भी दिखाता हूँ कि बैक साइड का गेट से किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिलती है। सो यहाँ से भी जो है वो ये वाले दरवाजे भी जो है वो आप लोग देख लें, दरवाजे जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिल रहे हैं। बाकी हम बात करें अगर साइडों की तो साइडें वगैरह आप यहाँ से जो है वो एक नज़र देखें किस तरीके से हैं, और अंदर से सीट्स वगैरह भी जो है वो एक नज़र देख लें। सो ओवरऑल गाड़ी मैंने आप लोगों को इंटीरियर से भी दिखा दी, बॉडी वाइज भी दिखा दी। इंजन रूम जो है वो गाड़ी का रहता है, इंजन रूम देख लेते हैं भाई, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिल जाती है। बाकी सनरूफ वगैरह भी हर चीज़ जो है उसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है। अच्छा खोलिएगा बोनट, तो बोनट भी हम लोग खोल के देख लेते हैं इसका इंजन रूम किस तरीके से आप लोगों को मिलता है। तो इंजन रूम के हवाले से अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट की पट्टी आप लोग जो है वो यहाँ से देखें, और हम बात करें अगर साइडों वगैरह की तो साइडें वगैरह भी मैं आप लोगों को जो है दिखाता हूँ। वैसे इसके कुप्पे वगैरह यहाँ से इतने अच्छे से देखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो नज़दीक से दिखा दूँ। बैक की शील्ड वगैरह यहाँ से नहीं दिखेगी आपको, थोड़ा सा यहाँ से देख लें। बाकी ये वाली साइड जो है वो एक नज़र आप लोग देख लें। सो ओवरऑल गाड़ी मैंने तकरीबन आप लोगों को जो है वो दिखा दी है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे हिल के मालूम करते हैं भाई गाड़ी का क्या हिसाब किताब है और गाड़ी कितने की जो है वो दे रहे हैं। जी सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं साबिर भाई, साबिर भाई की जो है ये गाड़ी है। सर गाड़ी तो मैंने ओवरऑल जो है वो दिखा दी है, 2013 का ये मॉडल है। बाकी आप गाड़ी के बारे में डिटेल्स बताएं, गाड़ी चली हुई कितना है, गाड़ी का इंजन कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, बॉडी वाइज क्या है आपके पास? भाई इंजन इसका बिल्कुल 100 का 100 है, ठीक है। और बॉडी वाइज में ये साइडों में हल्की फुल्की टचअप है, ठीक है। बाकी पूरी ओरिजिनल है, अंदर से बिल्कुल ओरिजिनल है, और फुल ऑप्शन वाली है, यूजी वाली सनरूफ। और गाड़ी में कुछ काम वाम नहीं है, बहुत अच्छी 2013 ले और चलाएं ये वाले आप बता रहे हैं जी, जी। अच्छा इसके अलावा मैं दो चार चीज़ें और पूछ लेता हूँ आपसे कि गाड़ी चली हुई कितना है? ये सर चली हुई है 80,000 किलोमीटर चली, 80,000 यानी कि काफ़ी कम चली हुई जी। अभी 80 कम पूरी हुई नहीं है, थोड़ी और भी कम है वाली, यानी कि 70 कुछ है। हाँ जी, तो 80,000 एक बता रहे हैं गाड़ी जो है वो चली हुई है। बाकी उसके अलावा कोई एरर लाइट्स वगैरह नहीं है इंजन की वगैरह की, कोई ऐसा वो नहीं है गाड़ी में काम? जी जी ठीक है। अच्छा बॉडी में आपने बताया साइडों से गाड़ी टचअप है, बाकी अंदर से पूरी जो है पूरी ओरिजिनल है, छत भी और बोनेट डिग्गी पूरे, बाकी ये ओरिजिनल है, साइडों में थोड़ी थोड़ी टचअप है, ठीक है। ऑनर कितने हैं इस गाड़ी के? ये सेकंड ओनर है, हमारे नाम पे ही है। अच्छा आपके नाम पे ही ये गाड़ी, तो भाई के नाम पे ही गाड़ी है। बाकी आपने डिमांड क्या रखी है सर गाड़ी की? सर इसकी 22.5 लाख रुपये, 22.5 लाख रुपये। तो 22,50,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। बाकी ये जाहिर सी बात है हर चीज़ में निगोशिएट होता है, कमी पेशी होती है जी जी। तो जब आप भाई से कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो आपको अच्छे से जो है वो डील कर लेंगे। सर अपना नंबर शेयर करें। ये नंबर मेरा 0302-770-3623, ठीक है। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूमात। सो फाइनली दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारे काफ़ी सारे हजरात जो मुझे शिकायत कर रहे थे कि भाई करोला की गाड़ियां जो है वो आप क्यों ऐड नहीं कर रहे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, जब मुझे गाड़ियां मिलती है तो मैं ज़रूर जो है वो ऐड करता हूं। बाकी एक रिक्वेस्ट पे भी थोड़ा सा चल रहा होता हूं, तो वो चीज़ें भी जो है वो मैं देखता हूं। तो अभी हम लोग को ये मिल गई है 2009 का जो है ये मॉडल है करोला 2D। तो कोशिश करते हैं इस गाड़ी को भी जो है वो अच्छे से देख लेते हैं। बाकी जो इसकी बॉडी वगैरह की बातचीत होगी, कितने पीस टचअप या जो ओरिजिनल है, बाकी कोई काम वगैरह
वगैरह जो भी होगा, इधर जितनी इन्फॉर्मेशन होगी जो गाड़ी के ऑनर हैं उन्हीं से जो है हम लोग बातचीत करेंगे और सारी चीज़ें जो है मालूम करेंगे। सो बैक साइड से भी एक नज़र जो है वो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। बाकी अगर मैं बात करूँ गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ से भी जो है वो आप लोग एक नज़र देख लें, यहाँ से भी गाड़ी जो है वो पूरी क्लियर जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। टायर वगैरह की अगर बात करूँ तो टायर वगैरह सही मिल रहे हैं आप लोगों को, यानी कि नॉर्मल अच्छी कंडीशन है। बाकी साइड वाइड देख लें, इसी तरीके से गाड़ी का फ्रंट भी मैं एक नज़र और आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ कि गाड़ी का फ्रंट आप लोगों को किस तरीके से जो है वो मिलता है। यहाँ से भी गाड़ी आप अगर लुक देखें पूरा गाड़ी का, तो पूरी क्लियर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। रूफ वगैरह भी यहाँ से जो है वो देख लें। इंटीरियर देख लेते हैं गाड़ी का, इंटीरियर से जो है वो गाड़ी आप लोगों को किस तरीके से मिल जाती है। सो इंटीरियर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो दरवाज़े वगैरह ही पहले मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। तो दरवाज़े वगैरह जो है वो कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला एक वीडियो में बताऊँगा मैं, जिसके अंदर आप लोगों को बताऊँगा कि भाई गाड़ी चेक कैसे की जाती है। तो साइडें वगैरह जो है वो आप लोग अभी देख लें। बाकी ये कि डोर पैनल्स वगैरह देखें यहाँ से। इसी तरीके से गाड़ी के इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख लें, क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। LCD पैनल वगैरह लगा हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन पर जो है गाड़ी मौजूद है। बाकी इसके अलावा सीट्स वगैरह की बात की जाए तो सीट्स वगैरह भी जो है वो एक नज़र आप लोग देख लें। बाकी यहाँ से अगर मैं साइडें वगैरह आप लोगों को दिखाऊं तो साइडें वगैरह भी जो है वो गाड़ी के कब्जे वगैरह यहाँ से आप लोग देख लें। बैक साइड का गेट खोल के हम लोग देखते हैं गाड़ी बैक साइड से किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। तो यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, यहाँ से भी आप लोगों को गाड़ी जो है वो क्लियर नज़र आ रही होगी। तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, आज मठावा चल रही है, मिट्टी काफ़ी उड़ रही है, तो खांसी बार बार आ रही है। तो ये वाली साइडें भी जो है वो आप लोग देखें, यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर पूरी नज़र आ रही होगी। सीट्स वगैरह अंदर की जो है वो देख लें, यहाँ से आप लोगों को पूरा रूम दिखा रहा हूँ मैं। रूफ वगैरह भी जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। सो चलते हैं अब चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम देख लेते हैं, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो आप लोगों के तरीके से मिलती है। बॉडी वाइज आप लोगों ने देख ली, इंटीरियर वाइज देख ली, रूम जो है वो बाकी रहता है गाड़ी का। सो यहाँ से आप लोग रूम भी गाड़ी का जो है वो एक नज़र देख लें कि रूम से जो है वो इंजन रूम से कैसी है गाड़ी। फ्रंट की पट्टी वगैरह जो है वो आप लोग देखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गाड़ी के कुप्पे वगैरह की करीब से, तो यहां से मैं आप लोगों को गाड़ी के कुप्पे भी एक नज़र जो है वो दिखा देता हूं। तो ये भी देख लें, बाकी इस साइड का भी दिखा देते हैं। सो एक नज़र यहां से भी जो है वो गाड़ी के कुप्पे आप लोग देख लें। सो ओवरऑल गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी, इंजन रूम से भी दिखाई, इंटीरियर से दिखाई, बस चलते हैं अभी मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं और गाड़ी कितने की दे रहे हैं। सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अफाक भाई, जिनकी ये गाड़ी है। सर गाड़ी तो मैंने ओवरऑल जो है वो दिखा दी है, बाकी आप मुझे गाड़ी की डिटेल्स वगैरह बताएं, बॉडी में कैसी है गाड़ी, इंजन वाइज कैसी है गाड़ी, क्या हिसाब किताब है गाड़ी। ये बॉडी टोटल ओरिजिनल है, ठीक है, बम्पर टू बम्पर, फर्स्ट ओनर है, मैंने ही 0 मीटर ली थी। अच्छा, ये आपने ही 2009 में निकलवाई थी? 2009 में मैंने ही निकलवाई थी, ये अभी तक मेरे पास है, जेन्युइन इंजन में है। जेन्युइन इंजन पे, यानी कि डीजल इंजन। डीजल इंजन हमारे बहुत सारे जो हजरात थे, भाई थे, जिन्होंने मुझे बोला था कि भाई 2D चाहिए, तो अभी ये गाड़ी जो है वो देख लें और कमेंट करके मुझे जो है जरूर बताइएगा। अच्छा, पूरी गाड़ी ओरिजिनल बता रहे हैं, इंजन सस्पेंशन में कोई काम नहीं है इसके? बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है। ऑनर तो फर्स्ट ऑनर ही है, आपके नाम पे गाड़ी। चली भी कितना है ये गाड़ी? ये तकरीबन 85,000 है। 85,000, यानी कि कम ही चली है काफी गाड़ी, लाख ये बहुत कम ही यूज किया है इसको। सही है, तो 85 जो है वो गाड़ी चली भी है। बाकी ये कि इसके अलावा भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई को जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या डिमांड रखी सर आपने गाड़ी की? इसकी 15.5 लाख। 15.5 लाख रुपये। सो 15.5 लाख रुपये डिमांड है, 2009 का मॉडल है। बाकी सर अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। 03018686386, ठीक है। तो ये अफाक भाई का नंबर है और इसके ऊपर जो है वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूमात ले सकते हैं। शुक्रिया अफाक भाई, थैंक यू। सो फाइनली दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोगों को मिल गई है होंडा सिविक। तो हमारे जितने भी भाई थे जो मुझे बोल रहे थे कि भाई थोड़े ओल्ड मॉडल भी दिखाएं, यानी कि पुराने मॉडल भी दिखाएं, काफ़ी सारी कमेंट्स थी। तो अभी ये गाड़ी जो देख रहे हैं 2000 का मॉडल है, होंडा सिविक ऑटो ट्रांसमिशन पर मौजूद है। बाकी इसकी जो डिटेल्स वगैरह होंगी वो जाहिर सी बात है जो गाड़ी के ऑनर हैं उन्हीं से मालूम कर लेंगे। फिलहाल गाड़ी जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गाड़ी किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिलती है। तो फ्रंट साइड से गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, बाकी साइडें वगैरह जो है वो इसी तरीके से गाड़ी की आप लोग देखें, पूरा जो है वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। सो कोशिश ये होती है भाई गाड़ी अपनी तरफ से अच्छे से जो है वो दिखाऊं। बाकी ये कि जाहिर सी बात है जब आप लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जो गाड़ी के ऑनर्स होते हैं तो उनसे भी मालूम करा करें। तो इसी तरीके से गाड़ी की बैक साइड भी जो है वो आप लोग देख लें, बैक साइड से गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिली है। वैसे तो इन्होंने काफ़ी अच्छी मेंटेन रखी हुई है, यानी कि साफ़ सुथरा रखा हुआ है गाड़ी को। सिर्फ बम्पर पर 1-2 निशान मुझे दिख रहे हैं, एक ये वाली साइड पर दिख रहा है, बाकी आगे से गाड़ी आप लोगों ने देखी आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होगी।
बाकी मुझे यार कमेंट करके ये भी बताइएगा कि भाई मैं गाड़ी के आप लोगों को बताऊँ कि भाई चेक वगैरह कैसे की जाती है, क्या हिसाब किताब होता है, उस पर एक वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, इसका भी थोड़ा सा मुझे जो है वो रेफरेंस दीजिएगा आप लोग। सो साइडें वगैरह देखने, दरवाजे वगैरह आप लोग गाड़ी के यहाँ से जो है वो देखें एक नज़र, दरवाजे वगैरह जो है वो गाड़ी के किस तरीके से आप लोगों को मिलते हैं। बाकी इसी तरीके से गाड़ी अंदर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अंदर से किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है। बाकी इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर भी मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ से दिखा देता हूँ। असल में धूप से एकदम से अंदर जाते हैं ना तो ये थोड़ा सा जो है वो डार्क दिखाता है, लेकिन देखें तो पूरा क्लियर है, यानी कि इंटीरियर वगैरह भी, डैशबोर्ड वगैरह क्लियर है, ऑटो ट्रांसमिशन पे गाड़ी मौजूद है। सीट्स वगैरह की अगर बात करूँ तो सीट्स वगैरह गाड़ी की जो है वो आप लोगों को साफ़ सुथरी मिल जाती हैं। आफ्टर मार्केट कवर्स वगैरह इन्होंने अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं, नीचे रबर मैट्स वगैरह डले हैं गाड़ी पे। बाकी अगर कब्जे वगैरह की बात करें तो कब्जे वगैरह आप लोग यहाँ से देख लें। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार एक साइड के दरवाजे क्यों दिखाता हूँ। एक्चुअली मसला ये होता है यार, टाइम हम लोग के पास लिमिटेड होता है, कमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि भाई ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड कर लूँ, ताकि जो जितने भी लोग हमें कमेंट कर रहे होते हैं उन सबकी जो है रिक्वेस्ट पूरी हो सके। सो ये वाली साइड भी आप लोग देख लें, यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देखें, ये वाली साइड देखें, यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों को क्लियर मिल जाती है। बाकी अंदर से अगर सीट्स वगैरह की बात की जाए तो सीट्स वगैरह भी अंदर से जो है वो आप लोग एक नज़र देख लें। सो गाड़ी मैंने आप लोगों को इंटीरियर से और ऊपर से जो है वो दिखा दी है। इसका इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। सो इंजन रूम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप लोग फ्रंट की पट्टी वगैरह जो है वो गाड़ी की एक नज़र देख लें। बाकी हम बात करें अगर साइड वगैरह की, गाड़ी के कुप्पे वगैरह की, तो कुप्पे भी मैं आप लोगों को नज़दीक से जो है वो दिखा देता हूँ, तो आप लोग नज़दीक से देख लें। बाकी ये वाली साइड भी जो है वो एक नज़र देख लें। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी साइड की, तो यहाँ के कुप्पे वगैरह भी मैं आप लोगों को नज़दीक से जो है वो एक नज़र दिखा देता हूँ। सो ओवरऑल गाड़ी जो है हम लोगों ने देख ली है, बस चलते हैं अभी जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे चल के बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं वो गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं और गाड़ी कितने की जो है वो दे रहे हैं। मौजूद हैं अदील भाई, अदील भाई की जो ये गाड़ी है। सर गाड़ी तो मैंने ओवरऑल दिखा दी है, 2000 का ये मॉडल है। बाकी आप मुझे गाड़ी की डिटेल्स बताएं, ये गाड़ी इंजन से कैसी है, सस्पेंशन से, पेपर वाइज? बिल्कुल पेपर वाइज भी क्लियर है, इंजन से भी बिल्कुल, अपने एक हाथ पे रखी है सेट, शौकीन है मेरे को, शौक है इसी गाड़ी का, अपने अपने पास रखी है गाड़ी। अच्छा, बाकी बॉडी की अगर हम बात करें गाड़ी की, तो ये ऊपर से आपने कलर खुद करवाई थी गाड़ी? नहीं नहीं, ये जेन्युइन कलर है, कुछ जो उसमें से चीज़ थी वो कलर के लिए हो गई, जैसे लग गई थी पहले किसी से लगी, जब मेरे पास आई थी तो कुछ नहीं लगा, मेरे से आज यानी कि कुछ कुछ जो पीस है वो गाड़ी के टचअप हैं, बाकी पूरी गाड़ी जो है वो लेकिन मेरी मेर से नहीं लगी। अच्छा, आपसे नहीं लगी, एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं है गाड़ी जो है वो क्लियर है। अच्छा, ऑनर कितने का बताया आपने गाड़ी के? इस गाड़ी के ओनर तो सर ये मैं आपको, दो हैं तीन हैं भाई, ओनर पहले जिसके पास थी फिर उसके बाद मेरे पास यानी कि दूसरे ओनर हो गए। तो सेकंड ओनर जो है वो गाड़ी है, बाकी गाड़ी की डिटेल्स तो भाई ने हमें बताई। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा ऑटो ट्रांसमिशन पे गाड़ी चली हुई कितना है? ये गाड़ी चली हुई है कोई 12,000 बहुत कम है यार, 96 या मीटर घूम गया इसका दोबारा? नहीं खड़ी रहती है। अरे नहीं, 12,000 बहुत कम है, नहीं करो यार, खड़ी रहती है ना, चलती नहीं। अरे 12,000 वाकई बहुत कम है, मान लो मेरी बात है ना, 12,000 जो भी देखें, 12,000 भाई ने बताया तो मैं वही चीज आप लोगों को जो है बता रहा हूँ, ली थी उसके बाद भी खड़ी हुई थी। 2000 का जो है मॉडल है, बाकी जो है इन्फॉर्मेशन सारी चीजें तो भाई ने बता दी। अच्छा, एसी वगैरह चीज है गाड़ी का, कोई एरर लाइट वगैरह नहीं है गाड़ी के अंदर? क्या डिमांड रखी सर आपने गाड़ी? इसकी गाड़ी की डिमांड है 9 जी, ठीक है, 9 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। 2000 का जो है ये मॉडल है, बाकी जो निगोशिएट होगा कमी पेशी वगैरह होगी, जाहिर सी बात है जब भाई से कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको थोड़ी ज्यादा चली उस टाइम पे बताएंगे कांटेक्ट। ठीक है, वो मुझे अभी हंसी आ रही है लेकिन मैं रोक के खड़ा हूँ। तो बाकी जब आप कॉल करें तो भाई एक दफा डिटेल्स होंगी पेपर के मुताबिक, कोई भी होगी सब आपको वो सारी चीजें जो है भाई बता देंगे, अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए। बता दे नंबर नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप नंबर तो बताएं वरना मेरे को 01829622615। ठीक है, तो ये अदील मुगल नाम है, अदील भाई का नंबर है ये, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। इनको माइलेज का पता नहीं था लेकिन ये दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारे मेहरान वाले जितने हजरात थे जो मेहरान की कमेंट कर रहे थे, अभी ये गाड़ी देख लें, 2008 का मॉडल जो है मुझे मिला है, कोशिश करता हूँ गाड़ी आप लोगों को जो है वो अच्छे से दिखा दूँ। सो फ्रंट साइड से पहले गाड़ी आप लोग देख लें, फ्रंट साइड से किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल जाती है, इसी तरीके से ग्राउंड हम लोग गाड़ी का जो है वो देख लेंगे। सो साइडें वगैरह जो है वो देखें, दरवाजे वगैरह देखें, टायर्स की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, टायर्स की कंडीशन सही, अच्छी कंडीशन में जो है वो टायर मिल रहे हैं आप लोगों को। बाकी अलायरेंस वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो डले हुए हैं। इसी तरीके से चलते हैं बैक साइड भी जो है वो गाड़ी की देखते हैं हम लोग, ये दरवाजे वगैरह आप लोग देखें। सो ये गाड़ी देखने का मकसद ये था कि ये थोड़ा टन वाली थी, तो मैंने बोला चलो यार आप लोगों को दिखा दूँ। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, सुथरी गाड़ी है, मकसद इन्होंने शावर वगैरह नहीं करवाई, गाड़ी जो है वो जेन्युइन रखी हुई है।
बाकी फिर भी मैं इनसे पूछ लूँगा कि भाई कोई पीस टचअप वगैरह है तो वो मुझे जो है वो बता दें, कोई ऐसा हिसाब किताब है गाड़ी का। तो देख लें बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। बाकी ड्राइविंग साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को पूरी क्लियर मिल जाती है। इंटीरियर देखते हैं गाड़ी का, इंटीरियर से गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है। सो इंटीरियर में फर्स्ट ऑफ ऑल दरवाजे वगैरह की बात करते हैं हम लोग, तो दरवाजे वगैरह देखने यहाँ से क्लियर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। डोर पैनल्स वगैरह गाड़ी के जो है वो देखने, बाकी ये वाली साइड आप लोगों को पता है नॉर्मली इसकी काफ़ी जल्दी खिंच जाती है। बाकी हम बात करें अगर गाड़ी की सीट्स वगैरह की, तो सीट्स वगैरह तकरीबन गाड़ी के अंदर इन्होंने न्यू डाली हुई है। शॉपर्स वगैरह गाड़ी पे आप लोगों को चढ़ी हुई दिख रही होंगी, नीचे रबर मैटिंग हुई है गाड़ी के अंदर। बाकी आगे डैशबोर्ड वगैरह की बात करें तो डैशबोर्ड वगैरह भी देखने आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रहा होगा। और गाड़ी चली हुई कितना है ये भी आप लोग यहाँ से जो है वो मीटर में एक नज़र देखते हैं। सो बस चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो अब एक नज़र बैक साइड का। पहले मैं आप लोगों को एक डोर दिखा दूँ, ये वाली साइड भी जो है वो आप लोग देखें, बैक साइड का डोर दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो है वो इंजन वगैरह गाड़ी का जो है हम लोग देख लेंगे। सो ये देखें बैक साइड का डोर भी देखने यहाँ से क्लियर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पूरा। यहाँ से ये वाली साइड भी क्लियर है गाड़ी की, हाथ बचाइए भाई। सो अब देखते हैं इंजन रूम, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। तो इंजन रूम के हवाले से अगर बात की जाए तो इंजन रूम भी मैं आप लोगों को एक नज़र दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग फ्रंट की पट्टी वगैरह जो है वो देख लें एक नज़र किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है। बाकी हम कुप्पो वगैरह की अगर बात करें तो कुप्पे भी आप लोग थोड़े से यहाँ से जो है वो नज़दीक से देख लें। और बैक की हाँ साइड वगैरह भी जो है वो एक नज़र आप लोग देख लें साइड वगैरह। सो ओवरऑल गाड़ी ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे इनके बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं भाई उन्होंने गाड़ी की क्या डिमांड रखी है और गाड़ी कितने की जो है वो दे रहे हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं अदनान भाई। अदनान भाई की जो ये गाड़ी है सर, गाड़ी तो मैंने ओवरऑल जो है वो दिखा दी है, 2008 का ये मॉडल है, गाड़ी पूरी जेन्युइन है, दो पीस इसके आप मुझे टचअप बता रहे हैं। कैसी ये गाड़ी सर की चलने में? गाड़ी चलने में अच्छी है और जैसे बॉडी तो आपने देख ही ली है, बिल्कुल सही है। इसके टायर भी अच्छे हैं, सस्पेंशन वाइज भी ओके है, इंजन भी इसका ओके है। ये है कि फैमिली यूज़ के लिए मैं कहता हूँ मतलब अच्छी गाड़ी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसका के फ्यूल एवरेज इसका नॉर्मली होता है, ऐसी बात है। तो ये गाड़ी मेरे लिहाज से बहुत अच्छी है और मैं चला भी रहा हूँ इसको तकरीबन मैंने नोट तो नहीं किया लेकिन इतना मुझे पता है एवरेज इसकी अच्छी है ये। एक यानी कि 12-15 तक का जो है वो एवरेज दे देती है गाड़ी, एक अच्छी एवरेज। हाँ बस 12 रख लो आप, 15 नहीं करो। चलो मैं कल एक वो बोल रहा हूँ कि एक एवरेज रख लो कि भाई 12 से 15 का एवरेज जो है वो रख लो, तो इतने एवरेज तो वो गाड़ी दे देती है। बाकी एक डिटेल्स वगैरह भाई ने जो हम लोगों को बताई। और चली भी कितना सर ये आपने देखा? चली भी तो मैंने मीटर दिखा दिया है, मेरे ख्याल से कोई दो के करीब चली हुई है। लेकिन ये आपकी ज़्यादा लंबी रनिंग में रही है गाड़ी जब इतनी चली हुई है? या 2008 का मॉडल है, आप अंदाजा लगाएं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है गाड़ी में चलती तो है ना, बिल्कुल हकीकत है। बाकी ये है कि ऑन द स्पॉट नहीं, मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ, मैंने अभी पिछली गाड़ी का इंटरव्यू करा, 2000 का मॉडल था, उन्होंने जो भाई से पूछा कितनी चली, बोले 12000। मैंने बोला सर नहीं करें, दो फिर पूरी गाड़ी आपको बताएगी, बाकी 12 ना चली हुई है या नहीं चली हुई है पूरी गाड़ी आपको बताएगी। ये वाला सीन है, तो बाकी डिटेल्स वगैरह तो भाई ने हमें बता दी। सीएनजी वगैरह है इसमें? सीएनजी वगैरह इंस्टॉल्ड है लेकिन ऑन नहीं है, पेट्रोल पे चला रहे हैं गाड़ी। ठीक है, यूज़ नहीं किया आपने सीएनजी वगैरह? और एसी इसका ऑन है। ठीक है, मैंने कुछ आपको बताया, डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, इसके नंबर प्लेट जैसे आपने देखा गया। अच्छा, आपके नाम पे ये गाड़ी है? गाड़ी ओपन लेटर पे फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। क्या डिमांड रखी आपने गाड़ी की सर? डिमांड है मेरी 4,75,000 जी। सो 4,75,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। बाकी ये ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें तकरीबन हम लोगों ने आप लोगों को बता दी। एसी वगैरह इसका वर्किंग में है, सीएनजी लगी है, सीएनजी यूज़ नहीं होती, पेट्रोल पे गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, पूरी गाड़ी जेन्युइन है, दो पीस गाड़ी के टचअप हैं, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। सर अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए। हाँ नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, बाकी जब हाँ वो जाएंगे बाद नेगोशिएट तो होगा। कितने बोली आपने डिमांड? 4,75,000। वो जो भी नेगोशिएट होगा जब करना ही पड़ेगा। नंबर मैं आपको देता हूँ, 03462166768। ठीक है, तो ये जो है अदनान भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूमात ले सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। सो फाइनल दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं तो हमारे एक भाई